नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईएमए बिहार ने की राज्य में लॉकडाउन लगाने की बात। आने वाले 6 मई तक आंधी पानी के साथ ठंड का गिरने के हैं आसार। पत्रकारों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया अपना फैसला। राजधानी की निचली अदालतों में अगले 12 मई तक नहीं होगी सुनवाई। आज मनाया जा रहा है विश्व प्रेस आजादी दिवस। तो चलिए अब जानते हैं खबर विस्तार से। आईएमए बिहार ने की राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा ने सूबे में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और मेडिकल सुविधाओं की विकट परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इस बाबत आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर साजानंद प्रसाद सिंह ने तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राज्य के 5 प्रमुख अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत की है, जिसे लेकर पटना एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेटा के अधीक्षकों से बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग को जायज ठहराया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने आम लोगों के साथ ही साथ कई डॉक्टरों की भी जान ले ली है। इस संबंध में आईएमए ने एक लिस्ट भी जारी किया था, जिसमें 32 डॉक्टरों की जान जाने की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद से आईएमए बिहार के सदस्यों द्वारा लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। बिहार में तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन हुई 110 मीट्रिक टन। राज्य के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की कमी को लेकर परेशानियां कम होने वाली है, क्योंकि राज्य में तरल मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO की आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है, जो कि अब रोजाना 110 मीट्रिक टन के करीब हो गया है। इसके तहत उद्योग विभाग की मॉनिटरिंग सेल से मिली जानकारी के मुताबिक आज से 18 दिन पहले तक 16 टन LMO की आपूर्ति हो रही थी, जो कि अब बढ़कर 110 टन हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में एयर सेपरेशन यूनिट से भी 34 टन ऑक्सीजन का अतिरिक्त उत्पादन किया जा रहा है। इसके तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से LMO के लिए अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं 4 NNG टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में कन्वर्ट किए जाने पर भी फैसला लिया गया था, जिसमें से 2 टैंकर बिहार को मिल भी गए हैं। वहीं सभी 4 टैंकर मिल जाने से और भी 60 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मंगाना भी संभव हो जाएगा, जिसके बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या से निजात मिलेगी। आने वाले 6 मई तक आंधी पानी के साथ ठंड का गिरने के आसार। बिहार में आने वाले 6 मई तक मौसम में बदलाव देखने मिलेगा। इस दौरान लगभग सभी जिलों में आंधी बारिश, मेघ गर्जन के साथ ही ठंड का गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मौसम में बदलाव की वजह बिहार में काल वैशाखी के कारण उठने वाले तूफान को बताया गया है। ये बादल गहरे, लंबे और संवहनीय होते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर गरज और ठनके के साथ बरसते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सूबे में मल्टी वेदर सिस्टम भी सक्रिय हो गया है, जिनमें चक्रवातीय दबाव, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा एक साथ देखने को मिल रही है। इस वजह से आने वाले 3 दिन आंधी पानी की वजह से भारी पड़ने वाले हैं। वहीं अगले 24 से 48 घंटों में तीव्रता वाली बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। राजधानी की निचली अदालतों में अगले 12 मई तक नहीं होगी सुनवाई। राजधानी पटना में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में जिले के सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय कोर्ट में अगले 12 मई तक किसी प्रकार की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। वहीं कोर्ट परिसर में भी किसी भी तरह की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए गेटों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। इसके तहत जिला जज प्रशासन ने जिले के सभी अधिवक्ता संघ को कोर्ट बंद होने की सूचना भी भेज दी है। आपको बता दें कि कई वकीलों और जजों के संक्रमित पाए जाने के बाद 22 अप्रैल से ही पटना जिले के सभी कोर्ट में न्यायिक कार्यों को बंद कर दिया गया था। वहीं इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मियों को अपने अपने मोबाइल को ऑन रखने का निर्देश दिया गया है। अब बिहटा ESIC में 200 बेड पर होगा कोरोना मरीजों का इलाज। बिहटा ESIC अस्पताल के 200 ऑक्सीजन बेड को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले यहां मात्र 50 बेड पर संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा था। इसको लेकर DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपना हाल ही में बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अस्पताल के सभी बेड पर लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध है। यहां करीब 500 ऑक्सीजन युक्त बेड है। अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता होने की वजह से अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिले के ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट पर दबाव दिए बिना इन 200 ऑक्सीजन युक्त बेड को कोरोना मरीजों के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाए। पत्रकारों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया अपना फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को जारी किया है। इसके तहत उन्होंने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल कर लिया है, जिसके तहत अब सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि सूबे में काम कर रहे सभी पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ ही गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी ये सुविधा देने का फैसला लिया है, जिसके बाद गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी से सत्यापन कराना होगा।
पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों सरकारी अस्पतालों में बहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सूबे की नीतीश सरकार पर हमला बढ़ो रहे हैं। वहीं अब उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को लूट की खुली छूट दे दी गई है, जिसकी निगरानी भी नहीं की जा रही है। निजी अस्पतालों में रोज 1,00,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार से इसकी जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने निजी विद्यालयों के डॉक्टरों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में संसाधनों के अभाव में रोजाना 500 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है और पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में जानबूझकर रात में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी जाती है, ताकि मरीज ऑक्सीजन और इलाज के लिए उन्हीं डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में जाने लगे। शहाबुद्दीन की मौत होने पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार के सिवान से पूर्व सांसद व आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार की राजनीति में भी काफी उथल पुथल मच गया है और उनकी मौत पर तरह तरह के दावे उठाए जा रहे हैं। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन, प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव विनोद यादव, डॉक्टर प्रेम गुप्ता एवं प्रमोद कुमार सिन्हा ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा उनके इलाज में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जेल प्रशासन ने उनके परिजन के कहने के बावजूद भी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती नहीं कराया। इस संबंध में एजाज अहमद ने कहा है कि पूर्व सांसद जेल में कैसे संक्रमित हुए यह भी स्पष्ट होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मनाया जा रहा है विश्व प्रेस आजादी दिवस। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मान देने के लिए 3 मई को हर साल दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 3 मई 1997 को की गई थी। तब से लेकर हर वर्ष अलग अलग थीम पर इस दिन को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर मीडिया के समाज में प्रति अहम जिम्मेदारी को बताया जाता है। इस बार इसकी थीम लोगों के भले के लिए सूचना रखी गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि पिछले नहीं 20 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत को 180 देशों की लिस्ट में 142वां स्थान मिला है। पिछले साल भी भारत प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में इसी स्थान पर था, जबकि इस लिस्ट में पहला स्थान नॉर्वे ने पाया है। 15 मई तक पटना के सभी नालों की सफाई करने का जारी हुआ आदेश। राजधानी पटना में बारिश के मौसम आने के साथ ही जल जमाव की विकट समस्या भी खड़ी हो जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुरानी समस्याओं से सीख लेते हुए बिहार सरकार मानसून आने से पहले ही सभी नालों की सफाई करवाने के लिए मुस्तैद हो गई है। इसके तहत 9 बड़े नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है, वहीं छोटे नालों की उड़ाही का काम करवाया जा रहा है। इसके तहत डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पिछले दिनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नगर निकायों 15 मई तक सभी छोटे बड़े नालों की सफाई का काम पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पटना नगर निगम शहर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई कराने में लगा हुआ है। वहीं नगर आयुक्त नाला उड़ाही के कार्यों को लेकर सफाई कर्मियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन अपने क्षेत्र की जनता की मदद के लिए आई आगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन व गया के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हम की विधायिका ज्योति देवी लोगों की मदद के लिए सामने आई है। इसके तहत उन्होंने अपने विधायक फंड की राशि से कोरोना प्रभावित लोगों के लिए खर्च करने की बात कही है। इस संबंध में उन्होंने गया जिले के जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हुए इस बात की घोषणा की है कि वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से हर संभव मदद करने की बात कही। इसके तहत कोरोना प्रभावित होने पर विधायक कोटे की राशि से खर्च कर उनके इलाज आदि में मदद किए जाने की बात कही है। कोरोना के माहौल में जान जाने वालों के अंतिम संस्कार के दौरान अधिक वसूली की शिकायत लगातार सामने आ रही है। हालांकि अब जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि कई माध्यमों से उन्हें शिकायत मिल रही थी कि शमशान घाटों पर कोरोना मृतकों का शव जलाने को लेकर मनमाना वसूली किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी से असमय जान गंवाने वाले लोगों का दाह संस्कार सरकारी व्यवस्था के तहत किया जाना है, लेकिन कुछ दलाल सरीके लोग जान गंवाने वालों के परिजनों से हजारों वसूली से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलबी घाट, बांस काजेकला घाट पर धावा दल के अधिकारी सक्रिय रहेंगे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया है, जिसके बाद मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना से झारसुगोरा के लिए सीधी उड़ान के लिए जल्द होगी शुरुआत। झारसुगोरा से पटना की दूरी काफी कम बताई जाती है, यही कारण है कि लगातार यहां से सीधी विमान को शुरू किए जाने की मांग हो रही है, जिसके तहत ही यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पाइस जेट की ओर से पटना झारसुगोरा के लिए नियमित विमान सेवा की शुरुआत होने की घोषणा की गई थी, जो कि अब शुरू हो गई है। इस विमान सेवा की शुरू होने से उड़ीसा में रहने वाले बिहारियों को अधिक खुशी हुई है। विमान सेवा के शुरू होने के बाद से पहले ही दिन यह फ्लाइट पूरी तरह हाउसफुल होकर पटना पहुंची। इस सेवा के शुरू होने से उड़ीसा में रहने वाले बिहारियों को काफी ज्यादा खुशी मिली है।
देश भर में आए कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा मामले। देश भर में बीते कुछ दिनों से हर रोज ही कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, जिसे लेकर स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान कुल 3,417 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,732 मरीज बीमारी से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस की संख्या देश भर में 34,13,642 हो गई है। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 13,534 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 11,694 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,945 हो चुकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आज शाम आईपीएल में खेले जाने वाले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में से किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।